नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के तीन प्रबल दावेदार जो वर्ल्ड कप जीतने का दम रखते हैं, और आज हम जानेंगे T20 वर्ल्ड कप 2022 में इनकी ताकत और कमजोरी। सो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको क्रिकेट की हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त, ICC T20 विश्व कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है। अभी हालांकि क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं और इसके बाद ऊपर 12 चरण के मैच शुरू होंगे। इसी चरण में विश्व कप के प्रबल दावेदार मानी जा रही टीमों के मैच भी शुरू होंगे। अभी क्वालिफायर के साथ साथ वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं। इन मैचों में सीधे सुपर 12 में पहुंचने वाली टीमें खेलेंगी। मौजूदा विजेता और मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया किताब बचाने के प्रबल दावेदार मानी जा रही है। किताब के दावेदार में हालांकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी टीमें हैं। इनमें भारत और पाकिस्तान का भी नाम है। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की ताकत और कमजोरी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल UAE में खेले गए विश्व कप में किताब भी जीत हासिल की थी। ये उसका पहला किताब था। ऑस्ट्रेलिया को सबसे मजबूत दावेदार ये तथ्य बनाता है कि टीम अपने घर में खेल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी मेजबान देश ने T20 विश्व कप नहीं जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतिहास पलट सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस टीम के बल्लेबाज बेहद मजबूत हैं। टीम के पास कप्तान एरोन फिंच, डेविड वार्नर जैसे सलामी बल्लेबाज हैं। तो मध्य क्रम में ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, इसके अलावा टीम के पास टीम डेविड जैसे फिनिशर भी हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी। इस टीम के पास T20 के लिहाज से अच्छे स्पिनर नहीं हैं। लेग स्पिनर एडम जंपा में निरंतर कमी है, वही एक्शन अगर भी ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत टीम आता है। तो भारत की ताकत जानते हैं। भारत ने 2007 में T20 विश्व कप का पहला ही किताब जीता था। इसके बाद ये टीमें दोबारा T20 वर्ल्ड कप विजेता नहीं बन सकी। इस टीम की ताकत की बात करें तो टीम के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। सलामी बल्लेबाज KR राहुल और विराट कोहली ने समय पर अपनी लय हासिल कर ली है। वही सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज रहते हुए मध्यक्रम को मजबूती देते हैं। दिनेश कार्तिक फिनिशर करने में महारत हासिल कर चुके हैं। सो दोस्तों, इस टीम की कमजोरी क्या है? टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी है। पिछले कुछ T20 सीरीजों में भारत के गेंदबाजों ने निराश किया है, खासकर डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस विश्व कप से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे टीम की गेंदबाजी को बड़ा झटका लगा है। भुवनेश्वर कुमार अपने पुराने फॉर्म में नहीं है। तो तीसरे नंबर पर इंग्लैंड प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस टीम की ताकत। इंग्लैंड के पास जिस तरह के बल्लेबाज हैं, वैसे शायद किसी टीम के पास हों। इस टीम के पास T20 के प्रारूप के लिहाज से देखा जाए तो एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं। कप्तान जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, डेविड मिलान, लियाम विलियमसन, मोइन अली, वैन स्टोक, ये नाम जिस भी गेंदबाज के कान में जाता है उसकी सांसें अटक जाती हैं। इस टीम की कमजोरी क्या है? सो चलिए जान। बटलर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ये देखना होगा कि वह किस तरह से टीम को लीड करते हैं। साथ ही में टीम की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लगती है। स्पिन विभाग में आदिल राशिद और मोइन अली हैं, लेकिन एक टीम को सफलता की गारंटी नहीं दे पाते। रहा दोस्तों चौथे नंबर पे, हमारा विरोधी पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करें, आप तो जानते ही हैं, बेटा बेटा होता है। सो दोस्तों, ऐसे ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक कमेंट